दिल्ली की सड़कों पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने परिवर्तन रैली निकाली और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। दिल्ली के जदयू प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने परिवर्तन रैली निकाली थी और सड़कों पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे किए, जनता को मुफ्त देने की आदत लगाई, उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, कई नेता जेल में हैं, ऐसे में उनकी सरकार के द्वारा किए जा रहे तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। परिवर्तन रैली लेकर जी आज आप परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं और जो यहाँ के विधायक हैं उनसे 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि ये हिसाब दे पाएंगे या इनके पास हिसाब ही नहीं है? नहीं, कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है। जो लेखा जोखा इनके पास है वो केवल भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार कितना किए इसका लेखा जोखा तो पब्लिक के पास है, और सरकारी आंकड़ों का, सरकारी जो पैसा करोड़ों रुपया यहाँ आया बुराड़ी में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये देंगे क्या हम? एक तरफ केजरीवाल जब आए थे जब बड़ी बड़ी फाइलें लेके आए थे, लेकिन आज उनके खिलाफ भी फाइलें बनी हुई है। केजरीवाल तो आम पब्लिक को धोखा दे करके, झूठी प्रलोभन दे करके, फ्री फ्री का वादा कर करके लोगों से मतदान का ब्लैकमेल किया, लोगों को चीट किया, लोगों को कह सकते हैं कि ठगा। उनके पास कोई ना तो कागज था, आज पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और जो है वो उनके भ्रष्टाचार के कागजात हैं। आज देख रहे हैं कि आज भी उन्हीं भ्रष्टाचारों के वजह से सलाखों के पीछे। विधायक बोल रहे थे कि चुनाव में कुछ नेता आते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? चार परसों विधायक जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने जारी किया था कि बाहर से चुनाव कुछ नेता आते हैं चुनाव के समय में। तो ये बाहर के तो मैं पहले भी चुनाव लड़ा था इन्होंने। हम तो बाहर के नहीं हैं, यहीं के हैं, और लोग जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सब क्षेत्रीय हैं, बाहर के कोई नहीं है। अब रही बात की जिम्मेवारी, 5 वर्षों की जिम्मेवारी, 5 वर्षों का कार्यकाल यहाँ की जनता ने तय की है, 5 साल के लिए उनको चुना है, तो 5 साल वो अपना विकास दिखाएंगे, नहीं कि लोगों के आने जाने का हिसाब मांगेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए केजरीवाल का आगे क्या हो सकता है? सर, केजरीवाल जी का आगे जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर कोर्ट द्वारा न्याय मिला, अगर न्यायालय ने न्याय दिया, तो भ्रष्टाचार के आरोप में आजीवन कारावास, जीवन भर कारावास के पीछे रह सकते हैं, कभी भी सलाखों से बाहर नहीं आएंगे। जेडीयू कितने सीट पे रहेगी एनडीए, एनडीए से दिल्ली में? देखिए ये तो चूंकि एनडीए ये तो गठबंधन है हम लोगों का, एनडीए हम लोगों का एक ये है, इसमें अभी पार्टी बैठेगी तो निर्णय होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। ठीक है।